हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। यूट्यूब की तरफ से तीन बड़े अपडेट आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको तीनों अपडेट के बारे में एक एक करके बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा नाम नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम अमित सिंगला और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर सिंगला। हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमारे चैनल पर नए नए कॉन्टेंट वीडियो आती रहती है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो पहला अपडेट होने वाला है वो होने वाला है हमारा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे जो खतरा होता था पहले, अब उस खतरे से यूट्यूबर जो है बच सकते हैं। यानी कि जो पहले YouTube गाइडलाइंस की तरफ से स्ट्राइक आता था वो वीडियो पे आता था और उनका चैनल बंद भी हो सकता था। जो हमारे यूट्यूबर है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही यूट्यूब पे आप स्ट्राइक आएगा यूट्यूब की तरफ से, तो आपको आपकी वीडियो के अंदर एक टाइम अप टाइम पर दिखा दिया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक जो आपकी वीडियो है इसके अंदर कुछ ना कुछ आपने गलत किया है या कुछ ना कुछ गलत अपलोड किया है, जिसकी वजह से यूट्यूब आपकी वीडियो पे स्ट्राइक दे रहा है। तो ये हमारा पहला अपडेट था। इसके जरिए क्या है कि हम आप आने वाली वीडियो में इसको ठीक कर सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जो दूसरा अपडेट है, हमारा कमेंट सेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन के अंदर अब तीन सेटिंग दी है। इन सेटिंग के थ्रू हम अपनी मर्जी से जैसे हम चाहे कमेंट बॉक्स को अपना सेटिंग कर सकते हैं। इन सेटिंग करने से क्या होगा कि जैसे कि हमारे व्यूवर्स हैं, ये जो हमें डेली के डेली सही जो कमेंट करते हैं, हम चाहे तो उनके कमेंट जो है सबसे ऊपर आ सकते हैं। जो भी कमेंट करेगा वो सबसे ऊपर हमें शो करेंगे। और कई बंदे क्या होते हैं कि हेटर्स होते हैं, लेकिन क्या है कि अगर वो हेटर्स हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में गलत गलत कमेंट करते हैं, तो अगर हम चाहें तो उनका जो है कमेंट बॉक्स वहाँ से बंद कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर वो कमेंट करेंगे भी तो जो दूसरे व्यूवर्स हैं या जो हम हैं, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उनका कमेंट जो है वो शो नहीं करेगा इसीलिए। और तीसरी सेटिंग जो होने वाली है इसके अंदर, ये होने वाली है कि हम जो भी कोई हेटर्स है या कोई भी व्यूअर्स है जो हमें ऐप शब्द बोलता है या जो कमेंट में गलत गलत लिखता है, तो उसको अपने सेटिंग के अंदर से उसको वहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि वो कमेंट बॉक्स में के अंदर कमेंट ना कर पाए। और अब बात कर लेते हैं तीसरे अपडेट के बारे में। जो तीसरा अपडेट है वो सबसे ज़बरदस्त अपडेट होने वाला है, क्योंकि जो अपडेट है तीसरे नंबर का वो है, जैसे कि हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद उसके नीचे हम एक लिंक डाल देते हैं, या तो किसी चैनल का लिंक डाल देते हैं या फिर किसी ऐप का लिंक डाल देते हैं। और जैसे ही व्यूवर सिर्फ वीडियो को देखते हैं और वो नीचे लिंक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्या है कि जो एप्लीकेशन है या किसी का जो चैनल है वो चैनल ओपन हो जाता है, या जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो इसके जरिए क्या होता है, इसके जरिए जो हमारी वीडियो थी पहले रुक जाती थी, जो रुक जाने का मतलब ये है कि अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो जो दूसरे बंदे का चैनल है या जो कोई ऐप है वो ऐप ओपन हो जाएगी और हमारी वीडियो वहीं पे स्टॉप हो जाती थी, जिससे जो हमारा वॉचिंग टाइम था वो डिक्रीज होता था। लेकिन जो तीसरा अपडेट है ये बहुत अच्छा अपडेट है। इसके अंदर क्या है कि जैसे कोई लिंक को क्लिक करेगा कोई ऐप ओपन करने के लिए, तो क्या है कि वीडियो हमारी जो है चलती रहेगी रेगुलर, और इससे वॉचिंग टाइम है जो हमारा इंक्रीज होता रहेगा। वॉचिंग टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही हमारी वीडियो बंद होगी। और लेकिन ये है कि जैसे ही वो लिंक को ओपन करेगा, लिंक ओपन करने के बाद जो ऐप है या कोई हमारा चैनल है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही नीचे वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर वो देख सकते हैं या उसको चेक कर सकते हैं या उसको वहाँ से काट भी सकता है। तो ये तीनों जो अपडेट थे कैसे लगे आपको, वीडियो में भी जरूर बताइएगा। और जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर के लिए ये तीनों के तीनों अपडेट ही बहुत मस्त आने वाले हैं। लेकिन ये जो है कि अभी बीटा वर्जन है और कुछ ही लोगों के पास क्या है कि इसका अपडेट अभी आया है, लेकिन आने वाले टाइम में कि सभी चैनल पर ये जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।